बोला बेटा मैथ में तो पूरा में से पूरा लाना पड़ता है। पर जो लोग कहते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, अब उनके ही घर के आगे सामने नागिन डांस होना चाहिए। आपने वो पुष्पा फिल्म वाला वो डायलॉग सुना है ना, अरे दुनिया कहती है कि सिकंदर महान है और क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग महान है, पर हमारे एसएससी की जगत में हमारे हरिंदर सर महान है। हरिंदर सर जी, एसएससी में इंस्पेक्टर बनाने के तजुर्बे आपके अंदर मिलते हैं। हरिंदर सर जी, एसएससी में इंस्पेक्टर बनाने के तजुर्बे आपके अंदर मिलते हैं। आप वो साहिल हो जिसपे जाकर समुंदर मिलते हैं। अरे राजस्थान और पूरा भारतवर्ष गूंजता है जिनकी पढ़ाई से, तभी तो युगों युगों के बाद दोस्तों ऐसे मस्त कलंदर मिलते हैं। जब मैं शुरू शुरू में आया था तो मैंने सर से बोला कि सर एसएससी में इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, तो सर ने बोला यहां से जुनून लाना पड़ता है। वो कैसे कि अरे यू ही नहीं बनते एसएससी में इंस्पेक्टर। जनाब यू ही नहीं बनते एसएससी में इंस्पेक्टर, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। दोस्तों यू ही नहीं बनते एसएससी में इंस्पेक्टर, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा हरिंदर सर से कि कैसे बनते हैं इंस्पेक्टर, तो बोला बेटा मैथ में तो पूरा में से पूरा लाना पड़ता है। और सुनो दोस्तों, ताज्जुब की बात तो है, ये जमाना ही मैथ का है। घर पे भी देख लो आप हिसाब, मम्मी अगर दूध का लगवाती है तो मैथ में ही लगाना पड़ता है। कोई अंग्रेजी में लगाता है? नहीं लगाता। और सुनो, और जो योग कहते ना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, आज उनके लिए भी सुन लो, क्योंकि है अंधेरा बहुत दोस्तों, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। दोस्तों अब है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे तैसे भी हो दोस्तों, अब एसएससी में सिलेक्शन होना चाहिए। और दोस्तों है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। दोस्तों है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो जाए, अब एसएससी में सिलेक्शन होना चाहिए। और जो लोग कहते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, अब उनके ही घर के आगे सामने नागिन डांस होना चाहिए। और सुनो, जब से एक सिगरेट की बात बताऊं ना, जब से हरिंदर सर मार्केट में आए हैं ना, तो एसएससी का लेवल ही डगमगाने लगा है। सर ने लेवल को एग्जाम फाइट करने के ऐसे ऐसे तरीके निकाले हैं। तो सुनो, उस एसएससी कम्युनिकेशन से कह दो कि हरिंदर क्लासेज की अगर उड़ान देखनी है तो थोड़ा कद और ऊंचा कर लो। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन से कह दो कि अगर हरिंदर क्लासेज की उड़ान देखनी है तो थोड़ा कद और ऊंचा कर लो। अगर आना है एसएससी में नंबर वन तो हरिंदर क्लासेज ज्वाइन कर लो। आज हरिंदर सर ने डंका ढोल नगाड़ा बजाने का इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, क्योंकि पता है क्यों रखा है? क्योंकि हरिंदर सर ने एसएससी में इंस्पेक्टर बनाने का सैलाब जारी रखा। दोस्तों हरिंदर सर ने एसएससी में इंस्पेक्टर बनाने का सैलाब जारी रखा। और सर हमने भी जयपुर में डंका नगाड़ा ढोल बजाने का प्रोग्राम जारी रखा। और देश और विदेश को सर ने दूर से किया सलाम नहीं। हरिंदर क्लासेज के चीते हैं, किसी पापा के परी के गुलाम नहीं। और सुनो सर जी, पलके झुकाकर आपको सलाम करता हूं। हरिंदर सर जी, पलके झुकाकर आदाम सर। सलाम करता हूँ, जिंदगी की हर दुआ आपके नाम करता हूँ। सर जी पलके झुकाकर आपको सलाम करता हूँ, जिंदगी की हर दुआ आपके नाम करता हूँ। कबूल हो तो सर इस खुशी के अव...
अवसर पर जो जयपुर में डंका माहौल है, इस खुशी के अवसर पर कबूल हो तो सर मुस्कुरा देना, आपकी मुस्कुराहट पे ये पूरा भारतवर्ष कुर्बान करता हूँ। हरिंदर सर जी, हरिंदर सर जी, हरियाणा से तुम जब यहाँ जयपुर के लिए पढ़ाने के लिए निकलते हो तो माँ कसम एसएससी में इंस्पेक्टर बनने का माहौल हो जाता है। तुम्हारी कोई एक बार क्लास ले ले तो आपका दीवाना हो जाता है। पर हरिंदर सर जी, पर हरिंदर सर जी, आप तो वो बला हो जो पानी को भी छू दे तो पानी भी पेट्रोल हो जाता है। एक्चुअली हर किसी की ऑब्जर्विंग पावर अलग होती है। जब ये भाई आया था तो मुझे लगा दो चार मिनट एकदम से हजारों की भीड़ के सामने पहली बार में बोलना, मैं इसके आत्मविश्वास को देख के मैं दंग रह गया एकदम। आपने वो पुष्पा फिल्म वाला वो डायलॉग सुना है ना, है कि अंदर से हिल गया मैं। लेकिन रियल में आप बच्चों का और आपका भाई मेरे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जब मैं इतना ध्यान से इसलिए सुन रहा था, जब पहली बार हम कोई भी शब्द को सुनते हैं तो एक एक शब्द दिमाग में जाना चाहिए कि कह क्या रहा है और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, समझ आई। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और ये उम्मीद है कि आप भी एसएससी के द्वारा सिलेक्टेड होकर आप यहाँ पर आएंगे। आज इस भाई ने रियल में एक बहुत बड़ी बात, बच्चा क्या सोचता है हम क्या सोचते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया गया है। शब्दों में भावनाओं को उकेरा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक किया जाता है, हिम्मत की जाती है। तक इस भाई ने बड़ा एंटरटेनमेंट किया, एक बार जोरदार ताली इस भाई के लिए, बहुत बहुत बधाई, मजा आ गया है।